क्या आप लोग एक अच्छा ब्लॉग लिखना चाहते हो? क्या आप लोग अपने आर्टिकल को रैंक करना चाहते हो? क्या आप लोग एक अच्छी रिसर्च करना चाहते हो? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज जिस टूल की हम लोग बात करने वाले हैं वो है MarketMuse। MarketMuse एक फ्रेज जैसा टूल है जो कि हेल्प करता है आपको एक अच्छा आर्टिकल लिखने में, एक अच्छा ब्लॉग लिखने में, एक अच्छे रिसर्च करने के लिए एंड अपने अल्टीमेटली अपने आर्टिकल को रैंक करने के लिए भी। ये फ्रेज जैसा टूल है। फ्रेज का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे MarketMuse के बारे में। सो MarketMuse यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर आपको बेसिकली पांच चीज़ें मिलती है। ये रिसर्च करने में हेल्प करता है, ऑप्टिमाइज में, कम्पीट में, क्वेश्चंस का यहाँ पे सेगमेंट मिलता है, कनेक्ट का सेगमेंट मिलता है, एक यहाँ पे क्रेडिट्स भी मिलते हैं आपको जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी कंटेंट ब्रीफ बना देता है। तो आज मैं इन सारे पांचों चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करूँगा, क्या होता है ये, कितनी क्वेरीज मिलती है, क्या लिमिटेड रहती है, क्या इसकी प्राइसिंग रहती है और फ्रेस वर्सेज MarketMuse में से दोनों में से कौन सा अच्छा है। मैं फ्रेस को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, MarketMuse को मैं पिछले एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों का हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे MarketMuse में, आपको सबसे पहले दिखेगा क्वेरीज यूज्ड। इसका मतलब कि कितनी क्वेरीज यहाँ पर आपने यूज़ कर ली है। यहाँ पर आपको लिमिटेड क्वेरीज मिलती है। मेरे प्लान में फिलहाल 70 क्वेरीज है पर मंथ, तो ये हर महीने यहाँ पे ये फिर से जीरो पे पहुँच जाता है इसका काउंटर। तो क्वेरीज क्या होती है, जैसे जितने भी आपको टैब्स दिख रहे हैं, रिसर्च, कंप्लीट, क्वेश्चंस, तो इसमें जब भी मैं एक क्वेरी को रन करता हूँ, जैसे रिसर्च है, यहाँ पे मैंने पीक्लाउड रिव्यू लिखा, इसको रन किया, तो यहाँ पे मेरी एक क्वेरी कंज्यूम्ड हो जाएगी। तो जितनी बार आप लोग यहाँ पे अलग अलग टॉपिक डालोगे, रन करोगे, उतनी आपकी यहाँ पे क्वेरीज कंज्यूम्ड होते जाएगी। एक बार रिसर्च पे हुई, एक बार क्वेश्चन पे हुई, कनेक्ट पे हुई, ऑप्टिमाइज पे हुई, तो यहाँ पे मेरी अराउंड 3 हो गई। कंप्लीट पे करूंगा तो मेरी 4 क्वेरीज चली जाएगी। तो अब बात करते हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च में क्या होता है, जैसे मेरा एक टॉपिक है पीक्लाउड रिव्यू, मुझे यहाँ पे पीक्लाउड का रिव्यू लिखना है, तो यहाँ पे मैंने पीक्लाउड रिव्यू डाला, रन किया, इसके बाद ये मुझे सजेस्ट कर देगा कि दूसरे लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितनी बार इन्होंने अपने आर्टिकल में इंक्लूड किया है। नाउ MarketMuse का ये कहना है कि जितने भी पीक्लाउड रिव्यू वाले आर्टिकल है जो रैंक कर रहे हैं, उन सबको जाके स्कैन करता है एंड देन ये कीवर्ड्स निकाल के देता है हमें। तो पीक्लाउड रिव्यू का इसने कीवर्ड दे दिया, फिर क्लाउड स्टोरेज का दिया है कि क्लाउड स्टोरेज तो डेफिनेटली इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि वो क्लाउड स्टोरेज है। अब यहाँ पे उसने मुझे वेरिएंट्स भी दे दिए कि आप सिर्फ क्लाउड स्टोरेज को मत इंक्लूड करो, क्लाउड स्टोरेज कंपैरिजन हो गया, फिर वीडियो क्लाउड स्टोरेज, इसमें से कुछ एक कीवर्ड्स के वेरिएशंस दे देता है, तो आप इनको भी इंक्लूड करो तो ज़्यादा बेटर बनेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही कीवर्ड को आपने हर जगह पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो फिर पीक्लाउड क्रिप्टो, ये भी डेफिनेटली इंक्लूड करना बनता है, फिर क्रिप्टो फोल्डर स्टोरेज, फिर इसके यहाँ पे वेरिएशंस दे दिए मुझे। तो ये कीवर्ड आपको सजेस्ट कर देता है बेस्ड अपॉन कि जो आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं उसने कौन से कीवर्ड्स का यूज़ किया है, ये भी आपको उसी हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड सजेस्ट कर देता है। फिर हम लोग आते हैं ऑप्टिमाइज के ऊपर। ऑप्टिमाइज रिसर्च के बाद आपको आना है ऑप्टिमाइज पे। ऑप्टिमाइज पे यहाँ पर आपको ये बताता है कि दूसरे जो आर्टिकल्स हैं उसने अराउंड उनका एवरेज कीवर्ड्स कितना है, आपको यहाँ पर आपका टारगेट कितना होना चाहिए और आपका स्कोर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर एवरेज स्कोर देता है कि एवरेज स्कोर जो आर्टिकल जो रैंक कर रहे हैं उसने इसको 21 दिया है और यहाँ पर जो मेरा स्कोर होना चाहिए वो 35 का होना चाहिए। स्कोर कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके आर्टिकल की लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ पर मैं जितने भी है इन सबको इंक्लूड करते जाऊँगा, ये सारे रिसर्च वाले टॉपिक्स को, वैसे वैसे मेरी जो कंटेंट स्कोर है वो भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मैंने टॉपिक डाला है व्हाट इज़ पासवर्ड मैनेजर, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड मैनेजर का आर्टिकल लिखूंगा, जैसे मेरी लेंथ बढ़ेगी वैसे यहाँ पर मेरा स्कोर बढ़ते जाएगा। और इसकी एक खास बात यह है कि ये मुझे बताता है स्कोर डिपेंडिंग अपॉन मेरी जो वेबसाइट की अथॉरिटी है। अगर मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी कम है, जो कि फिलहाल अभी मेरी वेबसाइट में कम है, तो फिर मुझे यहाँ पे स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लेंथ ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। जब मेरी वेबसाइट की यहाँ पे अथॉरिटी बन जाएगी, थोड़ी पुरानी हो जाएगी, तब ये स्कोर अगर मेरा कम भी रहा और टारगेट कीवर्ड्स कम भी रहे तो भी चल जाएगा। तो अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करने के लिए इनका जो ऑप्टिमाइज वाला है मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। यहाँ से आप लोग अपने आर्टिकल्स को लिख के ऑप्टिमाइज कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हो, इससे आपकी आर्टिकल को रैंक करने के जो चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग कंपीट वाले टैब में। अब यहाँ पर मैंने एक अच्छा टर्म डाला है, वन पासवर्ड रिव्यू। पहले पासवर्ड मैनेजर था तो वो थोड़ा वेग टर्म था, उस पर रैंक करना मतलब कुछ एक स्पेसिफिक क्वेरी नहीं थी। अब मेरे पास एक स्पेसिफिक क्वेरी है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसपे मुझे रैंक करना है, वन पासवर्ड रिव्यू। तो ये सारे रैंक्ड आर्टिकल्स हैं जो पहले पेज पे आपको गूगल के मिलेंगे, इन सब का ये स्कोर है, काफ़ी हाई स्कोर है। और ये जितने भी हैं ये मोस्टली ये वाला टॉपिक कवर किया है, वन पासवर्ड रिव्यू बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मास्टर पासवर्ड बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पासवर्ड जनरेटर के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात करी है, तो ये सारे टॉपिक्स मुझे भी इंक्लूड करने हैं। और जहाँ पे ज़्यादा रेड है मतलब इसके बारे में ये कॉन्टेंट गैप है, रेड वाली लाइन,
वन पासवर्ड मिनी, मुझे खुद को नहीं पता वन पासवर्ड मिनी क्या होता है, लेकिन कीवर्ड है तो इसको मुझे सर्च करके मैं इस पर कुछ लिख सकता हूँ, तो इस पर मेरे रैंक करने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो सिक्योर पासवर्ड बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, फिर पासवर्ड मैनेजर ऐप यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है इसको कवर। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगेन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, रेड रेड है, तो हीट मैप में कॉन्टेंट गैप मिल जाता है मुझे, तो ये कॉन्टेंट गैप पर भी आप लोग अपना जो आर्टिकल है वो लिख सकते हो। वन पासवर्ड वॉच टॉवर काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत कम लोगों ने यहाँ पे इसको कवर किया है, तो ये कंटेंट गैप आपको ढूंढने चाहिए, कंटेंट गैप के ऊपर भी लिखना चाहिए, और जो हरे हरे हैं उस पर तो डेफिनेटली वो तो मस्ट है इंक्लूड करने के लिए। सो फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस वाले टैब के ऊपर। ये बेसिकली आपको क्वेश्चंस सजेस्ट करता है कि आप लोग अपने आर्टिकल्स का जो FAQ सेक्शन है उसमें आप लोग कौन कौन से क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मान लो वन पासवर्ड का मैं रिव्यू लिख रहा हूँ, वन पासवर्ड डाल दिया, देन उससे रिलेटेड इसने मुझे सारे क्वेश्चंस दे दिए कि लोग क्या पूछ सकते हैं, हाउ मच डज वन पासवर्ड कॉस्ट, सीक्रेट की क्या होती है, इज इट बेटर देन लास्ट पास, फैमिली प्लान क्या है, फिर कुछ ट्रायल है, फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप लोग रिलेवेंट क्वेश्चंस अपने FAQ में डाल सकते हो। फिर अगला आता है यहाँ पे कनेक्ट। कनेक्ट बेसिकली आपको बताता है इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो कुछ आर्टिकल्स है जहाँ पे मैं इस आर्टिकल के लिए व्हाट इज पासवर्ड मैनेजर अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पर मैं इसके लिंक्स दे सकता हूँ, इस आर्टिकल से मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकता हूँ इनको, यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर सकता हूँ, ये मेरी वेबसाइट के आर्टिकल है। एक्सटर्नल मतलब मान लो मुझे एक्सटर्नल सोर्सेस पे भी अपने कुछ रीडायरेक्ट करने हैं, तो पासवर्ड मैनेजर अगर मुझे बताना है तो यहाँ पे मैं मोजिला पे रीडायरेक्ट कर दूंगा उनको, तो यहाँ पर मुझे एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए भी कुछ अच्छे कैंडिडेट्स ये बता देता है। फिर यहाँ पर आता है क्रेडिट्स। क्रेडिट्स यहाँ पर आपको लिमिटेड मिलते हैं, क्रेडिट्स में आपको ऑटोमेटिकली आपका आर्टिकल बना के दे देता है, कॉन्टेंट ब्रीफ भी बना के दे देता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में उसको इसके लिए मत लो, बाकी जितनी चीज़ें हैं उसके हिसाब से इसको देख के लो, भूल जाओ कि ये कोई क्रेडिट नामक चीज़ भी देता है, इस पर अभी फिलहाल इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अब अगर यहाँ पर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, तो जो इसकी मंथली ऑप्टिमाइज वाले प्लान की प्राइसिंग आती है वो आती है $79 की, ये पर मंथ है, लेकिन बिल्ड भी यहाँ पे मंथली ही होगा, सो दैट्स गुड। और यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्टिमाइज टेक्स्ट एडिटर मिलता है और सिर्फ 25 क्वेरीज मिलती है, तो ये वाला ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन जो इसका दूसरा वाला प्लान है वो है $179 का, ये काम का है, इसमें आपको चारों पावरफुल एप्लीकेशंस मिल जाती है जो मैंने आपको बताई है, 50 क्वेरीज भी मिल जाती है और एनुअल क्रेडिट्स भी यहाँ पे 5 मिल जाते हैं। और यहाँ पे ट्रायल की बात करूँ तो आपको 7 डे का अनलिमिटेड ट्रायल भी मिलता है। अब इसकी प्राइसिंग यहाँ पर थोड़े हायर साइड पर है, आई डू एग्री, लेकिन अभी यहाँ पर AppSumo के ऊपर इनका ऑफर भी चल रहा है। AppSumo के ऑफर की बात करूँ तो ये अभी लाइव है, मैंने भी AppSumo से ही लिया है इसको करेंटली। तो यहाँ पर आपको इनके 3 प्लान्स देखने को मिलते हैं, ऑप्टिमाइज वाला अगेन ये किसी काम का नहीं है, फिर यहाँ पे प्लस वाला है, प्लस में सिर्फ आपको कंपीट का मिलता है, जो इसका जो काम का है वो है प्रो वाला। तो जब आप लोग AppSumo की डील को देखो तो ऐसा मत देखना कि $69 का है, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी $207 की। यहाँ पे आपको चारों चीज़ें मिल रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट का भी फंक्शन है यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, मेरा अकाउंट वो भी मैंने यहाँ पे प्रो वाला ही लेके रखा है, और बाकी अगर आप लोग AppSumo से नहीं लेते हो तो इसकी कॉस्ट आपकी वैसे एक महीने में ही रिकवर हो जाएगी। तो इसको आप लोग समझो कि $207 की डील समझो, अराउंड ₹15,000 की इसको डील समझो लाइफ टाइम के लिए। सो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, ना MarketMuse ने ना फ्रेज ने, जो भी मेरी ओपिनियंस है वो मेरी खुद की अनबायस्ड ओपिनियंस है। हालांकि अगर आप लोग यहाँ पर मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके, थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेज वर्सेज MarketMuse के बारे में। मैंने दोनों यूज़ करे हैं तो मैं यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पहले हम लोग बात करते हैं कंटेंट ब्रीफ की। कंटेंट ब्रीफ बनाने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको इंक्लूड करने चाहिए अपने आर्टिकल में, उसके लिए आई थिंक फ्रेस इज बेटर, MarketMuse इतना अच्छा नहीं है कंटेंट ब्रीफ बनाने के लिए। फिर अगर यहाँ पर मैं आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ कि आर्टिकल को कैसे लिखना है, जैसे ऑप्टिमाइज वाले टैब में जो मैंने आपको बताया कौन कौन से कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं, इसमें आई थिंक यहाँ पर MarketMuse इज बेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक कॉन्टेंट स्कोर देता है और ये कंटेंट स्कोर आपको आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी के हिसाब से मिलता है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा, आपके यहाँ पे कीवर्ड्स भी ज़्यादा होने चाहिए, आपके यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा है MarketMuse में। फिर अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चंस में यहाँ पर दोनों ही इक्वल लेवल पर हैं, दोनों के अपने अपने एल्गोरिदम से क्वेश्चंस निकालने के लिए। अगर मैं फ्रेज की बात करूँ तो वहाँ पर आपको सर्प रिजल्ट जो होते हैं, कोरा, रेडिट, वहाँ से सब ये क्वेश्चंस निकाल के देता है। बल्कि अगर यहाँ पर मैं MarketMuse के बारे में बात करूँ, MarketMuse की जो एल्गोरिदम है वो थोड़ी अलग है, वो जो दूसरे के क्वेश्चन है उसको नहीं देता है, इनफैक्ट वो जितने भी आर्टिकल्स को स्कैन करता है उसमें से जो उसे क्वेश्चंस रिलेवेंट लगते हैं वहाँ से वो निकाल के देता है।
तो दोनों के क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिलेंगे, दोनों को यूज़ कर सकते हो एंड मैं पर्सनली भी दोनों को यूज़ करता हूँ। फिर प्राइसिंग की बात करूँ तो अगर मैं इसकी रेगुलर प्राइसिंग की बात करूँ तो फ्रेज डेफिनेटली विंस। फ्रेज की प्राइसिंग यहाँ पे कम है और मार्केट म्यूज थोड़ा हायर साइड पर है, लेकिन एट प्रेजेंट मार्केट म्यूज की लाइफ टाइम डील अच्छी है। सो इन दोनों में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए? मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक ना एक टूल तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। और अगर आप लोग कुछ कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर लिख रहे हो, कुछ कॉम्पिटिटिव आर्टिकल्स टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपको डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक टूल होना ही चाहिए आपके पास। या फिर इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ रिसर्च भी करनी है तो भी इन दोनों में से एक टूल होना चाहिए आपके पास। एट प्रेजेंट तो मार्केट म्यूज की डील ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐप सुमो की जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर फ्रेज की प्राइसिंग वाइज ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग बजट बढ़ा सकते हो तो मार्केट म्यूज विल बी बेटर। सो मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ? देखो, यहाँ पर मेरे पास फ्रेज की डील काफ़ी पहले से थी, तो मैं फ्रेज यहाँ पर काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट म्यूज मैंने रिसेंटली चालू किया है। एंड अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं फ्रेज से तो सारे आर्टिकल्स करता ही हूँ। कॉन्टेंट ब्रीफ जो मेरी बनती है वो बनती है फ्रेज से, और जो मेरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लिमिटेड क्वेरीज ही है, उसको मैं मार्केट म्यूज से भी जाके चेक करता हूँ। तो जो मेरी कंटेंट ब्रीफ मेनली बनती है वो बनती है फ्रेज से। जो मैं आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करता हूँ वो करता हूँ मैं मार्केट म्यूज से। फिर जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस के लिए मैं दोनों वेबसाइट का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मुझे दोनों वेबसाइट से अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सो दैट्स अ प्लस। एंड मैं यहाँ पर उसे अपने वीडियोस की रिसर्च के लिए भी यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे हेल्प मिलती है एक अच्छा वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो पहले तो ये कि इट इज़ एक्सपेंसिव, मार्केट म्यूज एक्सपेंसिव है डेफिनेटली। फिर यहाँ पर आपको लिमिटेड क्रेडिट्स ही मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि AI का यूज़ होता है आपका कॉन्टेंट ब्रीफ बनाने के लिए, तो यहाँ पर वो सिर्फ लिमिटेड ही मिलता है आपको। फिर क्वेरीज जो रहती है वो भी लिमिटेड है। फ्रेज में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिटेड क्वेरीज ही मिलती है। जैसे जो आप सुमो वाली प्रेजेंट वाली डील है उसमें सिर्फ 70 क्वेरीज आपको पर मंथ मिलेगी। सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे डिसेंट है, दोनों का सपोर्ट अच्छा है, फ्रेज मार्केट में उसका, और यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल वीडियोज भी मिल जाएंगे। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, आप लोग वैसे भी इसे यूज कर सकते हो। सो एज अ ब्लॉगर इन 2021, अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो या फिर सिर्फ रिसर्च वर्क ही कर रहे हो, तो भी आप लोगों के पास कोई एक रिसर्च के लिए टूल होना चाहिए, मार्केट म्यूज या फ्रेज जैसा। दोनों में से आपको जो भी पसंद आ रहा है आप लोग ले सकते हो, लेकिन होना चाहिए, इट शुड बी इन योर आर्सेनल इन 2021। और एट प्रेजेंट तो यहाँ पर एक अच्छा ऑफर भी चल रहा है आप सुमो के ऊपर, तो आप लोग डेफिनेटली उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आई थिंक ये हेल्प करेगा आप लोगों को एक इन डेप्थ आर्टिकल लिखने के लिए, इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए और कुछ अच्छे कॉन्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।